इसराइल के वजारत खारजा की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। मायूस है इंटरनेशनल सिस्टम से, इंटरनेशनल ताकतों से कि वो एक कितना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है लेकिन उसको रोक नहीं सके, किसी कुछ नहीं कर पाई। 56 इस्लामिक देश होने का जो वो था वो कुछ नहीं हो पाया। इस्लामिक आर्मी बनाने की बातचीत की गई थी, मुझे याद है राहिल शरीफ जी को बुलाया गया था उसका वो बनाने, किसी में नहीं है दम। ये वैसी मजाक है, मैं मुझे पता है कि किसी में दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप वैसे शो ऑफ तो करते हैं कहीं ना कहीं पे, जी हमारी ये फोर्स। ईरान ने इसराइल पे हमला किया, उसके बाद अभी बहस ही चल रही है। मुस्लिम उम्मा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मुस्लिम उम्मा ज़्यादातर इस बात पे जोर दे रही है कि ईरान का फिक्स्ड मैच था, ईरान ने कुछ नहीं किया, एक यहूदी नहीं मरा। ईरान के 300 के करीब मिसाइल ड्रोन हमलों में एक भी यहूदी नहीं मरा, एक बच्ची खाली जख्मी हुई। पीआईए के लॉस झेलने की भी क्षमता पार हो गई है। पीआईए के द्वारा आप लॉस भी नहीं झेला जा पा रहा है, इसीलिए आप देखो कितनी इनके फ्लाइटें कैंसिल हो रही, डिले हो रही है, सब कुछ अस्ती व्यस्ती, व्यवस्था तोड़ताड़ के, मतलब पूरा एकदम व्यवस्था इनकी छिन्न भिन्न होकर के रह गई है। अब कहीं तेल नहीं डला पा रहे फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे बिजली नहीं दे पा रहे, अचानक से कर्जे जो है पीआईए पे वो तो छोड़ ही दीजिए। पीआईए के विमान आज 20% 30% हार्डली 40% कहीं कहीं पर ऑक्यूपेंसी के साथ उड़ रहा है 90%, तो फिर इतनी सब में कहाँ से निकलेगा? जब तक 75% आपके सीटें ना भरी हो तब तक आप फ्यूल का खर्चा निकाल सकते एयरपोर्ट की इंडस्ट्री में। ये बड़े बड़े एक से मालिया खत्म हो गया, सहारा ग्रुप खत्म हो गया, कितने जेट एयरवेज खत्म हो गया, इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग, तो ये कंगाल देश भिखारी देश ही कहां तक अपने जेब से और लॉस झेल पाएंगे? इस पे ताला लगना है या तो इसको बिकना तय है। पूरे जंग में जो इसराइल और हमास और फिर अभी ईरान के बीच में आ गई है, पूरी दुनिया को पता है कि जो परेशानी की जड़ है दैट इज एक्चुअली ईरान। ईरान को कैसे निपटाया जाए, हाउ टू न्यूट्रलाइज ईरान, ये गेम चल रहा है। आज अगर जंग रुक जाती है, आज अगर सीज फायर हो जाता है तो इसराइल और हमास के बीच में तो ठीक है, पर दुनिया को पता है दोबारा होगा, ये अगले साल फिर हमास अटैक करेगा, फिर इसराइल उनको टोकेगा, ये चलता रहेगा साइकिल जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे, जड़ में ईरान। और ईरान को निपटाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है, मैं बार बार कह रहा हूं, लोग नहीं मान रहे। जब मैंने पहले भी बोला था तब पाकिस्तानी और बोला मेजर साहब ये क्या एनालिसिस है, हमें तो मजा ही नहीं आया, हम तो सोच रहे थे आप कोई बड़ा तगड़ा एनालिसिस देंगे, और मैंने बोला भाई ये तगड़ा ही है। वो देखिए मैं बात आपकी समझ रहा हूं, मगर पॉइंट कि ईरान तबाह हो जाता है ईरान के ऊपर, क्योंकि भाई अमेरिका खड़ा हो गया। आज आप देखिए ये आपको भी पता है कि ये एक नूरा कुश्ती थी जो ये मिसाइल और ये मेरा असल पॉइंट है, असल में असल बस ये पॉइंट मैं करना चाह रहा था, बिल्कुल जबरदस्त ये नूरा कुश्ती थी। और उसका मैं कहता हूं कि ये फिर ये ड्रामेबाजी ना करे। जब पहले जनरल सुलेमानी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी भी बस खामोश हो जाओ, आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, तो जब आप नहीं कर सकते तो फिर आपका आपके पास चुप रहने के अलावा कुछ नहीं होता, या आप अगर किसी और तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं वो डालें, बस मैं ये मेरा मेन मकसद। हमने अमरीका को महदूद हमले के बारे में मुतनब्बे कर दिया था, ये था ईरानी वर्जन, यानी पाकिस्तान के अलावा जो हमला इसराइल पर किया जाएगा या किसी और मुल्क पर किया जाएगा उसकी बाकायदा इत्तला देगा ईरान बहादुर, और किसको? अंकल सैम को, क्योंकि तनख्वाह तो सबकी वही जारी करता है। ईरान को खित्ते में चौधरी बनाने की ये जो इंतहाई भौंडी किस्म की कोशिश हुई है, इसके अगराज व मकासद क्या हैं ये भी हम जांचेंगे, लेकिन पहले ज़रा अपने दिमाग पर जोर दे करके सोचिए, क्या आपने किसी बैनुल अक़वामी जरीदे, किसी बैनुल अक़वामी टेलीविजन चैनल पर इन 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों से होने वाली इन्वर्टेड कॉमास में तबाही के बारे में पढ़ा? वो करते हैं ईरान वाले, या जो बोलते थे ईरान एक ताकत है, हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो खैर पंक्चर हो गई थ्योरी, वो पूरी थ्योरी ही पंक्चर हो गई, क्योंकि भाई देखिए फ्रॉम द लीगल परस्पेक्टिव इजराइल ने बिल्कुल वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया, जब उन्होंने आपके जॉर्डन के कुड्स फोर्सेस के जो चीफ थे उनको ही उड़ा दिया। इट वॉज एन अटैक, इट वॉज एन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बट आपने कुछ नहीं किया जी। तो इसका ये मतलब था कि इतने दिन से जो आप गीगड़ भपकी दे रहे हो वो आप खुद भी करना नहीं चाहते। मैं उसके लिए ईरानियों की तारीफ करूंगा कि आप कहते हो पर करना नहीं चाहते, और लोग आपका मजाक उड़ा रहे, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ की जानी चाहिए। जो है यहाँ पे अब एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा, जो पिछले 75 साल की तारीख है
वो ये बताती है कि इसराइल ने कभी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और वो मुख्तलिफ तरीकों से अपने दुश्मन को, और वो जानता है कि इस मशरिक वस्ता में उसका सबसे बड़ा जो काउंटर वेट और चैलेंजर है उसकी हेजमनी का वो ईरान है। तो ये मुमकिन है कि वो कुछ एक्शन जो है ईरानी मफादात के लिए मुस्तकबिल में अमरीकी और आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद भी ले सकते। ईरान का 150-200 मिलियन खर्चा हुआ इस पूरे हमले पे, तो सस्ते का माल होना तो फिर यही नतीजा निकलता है। ईरान का सस्ता माल था तो क्या नतीजा क्या निकला। और रहा सवाल 1 बिलियन इसराइल और ईरान का कम खर्चा हुआ, तो कौन सा इसराइल की जेब से खर्चा हो रहा है? हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका देता है इसराइल को। आपकी क्या हैसियत है? मतलब आप अगर मिलिट्री वाइज भी देखें तो इसराइल का मिलिट्री बजट $19 बिलियन है, ईरान का $7 बिलियन है। और पूरे समंदर पे भी आप कहें तो समंदर पे भी अमेरिका और वेस्ट का पूरा कब्जा है। वहाँ पे कहीं आपका कोई मिलिट्री शिप नेवी का नहीं जा सकता। एयरक्राफ्ट इसराइल के पास 340 हैं, ईरान के पास 288 हैं। इसराइल के पास 39 F-35 हैं जो दुनिया का इस वक्त बेस्ट फाइटर जेट माना जाता है, मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट है वो 39 हैं। ईरान के पास F-4 और F-5 हैं। मतलब आप ये देखें, शाह ईरान के ज़माने में जो अमेरिका ने इनको फाइटर जेट दिए थे वो हैं। मसला ये है कि ये सब हथियार, टैंक और ये तो आपको, अगर आपका बॉर्डर जैसे आपकी इराक के साथ जंग है या पाकिस्तान के साथ जंग है, तो ये ज़मीनी फौज, ये टैंक, ये आर्मर्ड व्हीकल सब काम आएंगे। इतना दूर इसराइल के लिए आपको ये काम नहीं आएंगे। तो अजीज़ दोस्तों, ये सूरत हाल है। ऐसे में जो पाकिस्तानी ख़ासतौर पर सोशल मीडिया है या जो जिहादी पूरी उम्मा का जो सोशल मीडिया है वो गालियाँ दे रहा है सबको, जॉर्डन के किंग हुसैन को। जॉर्डन के किंग हुसैन गद्दार बिन गद्दार बिन गद्दार इंडिया पे हमला करता है, पाकिस्तान के ऊपर, खैर इंडिया की मैं गलत मिसाल दे रहा हूँ, बांग्लादेश पे हमला करता है, पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से कोई मिसाइल या मिलिट्री ड्रोन भेजेगा तो पाकिस्तान जाने देगा बगैर इजाज़त के? पाकिस्तान उसको मार गिराएगा ना। तो लॉजिक है, आप जॉर्डन के एयर स्पेस में अपने ड्रोन और मिसाइल भेज रहे हैं तो जॉर्डन तो उसको फिर गिराएगा। फिर से PIA पर एक बड़ा बम फट पड़ा है। फिर से PIA वही विकलांग कंगाली की हालत में आ चुका है। PIA वैसे भी अगर हम देखें मात्र पिछले 10 दिनों में लगभग 600 फ्लाइटें इनकी कैंसिल हुई या डिले हुई या अलग अलग तरह की चीजें। अभी आपने 7-8-10 दिन पहले मैंने एक न्यूज डाली थी, इसमें कराची एयरपोर्ट में बिजली सप्लाई करने के लिए बिजली नहीं है। हालांकि चलो वो कुछ घंटों में चीज रिजॉल्व हो गई जैसे तैसे। PIA के विमानों में तेल भराने का पैसा नहीं है, कहां से भराएंगे? आधे से ज्यादा इनके विमान खाली जा रहे हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने कई सारे इनके यहां पे जो व्लॉगर्स हैं उनको देखा, क्योंकि मेरी वैसे पाकिस्तान पे नजर रहती है, मैंने देखा कई सारे व्लॉगर्स हैं इनके, वो बता रहे हैं कि मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, मैं UK जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। जब प्लेन में बैठ के वो बनाते व्लॉग देखो, पूरे में ऐसा लगता है 20-25% सीटें ही भरी हैं, बाकी सब खाली पड़ा हुआ। एक आध को देखा, मैंने सोचा होगा शायद ऐसे ही होता रहता है, मगर ज्यादातर वीडियोज में यही था। कहीं कहीं पे शायद ही कुछ दिख गया, जैसे कि दुबई वाला रूट हो गया, चलो वो थोड़ा सा बिजी, उसमें लगभग 70-80% ऑक्युपेंसी, 100% तो मुझे दिखी नहीं कहीं भी कि एकदम खचाखच भरा हुआ, वो तो नहीं दिखती। पर कहीं दुबई वाला रूट हो गया, वही एक आध रूट है जो उनके थोड़े से भरे नजर आते हैं, वरना मेजोरिटी ऑफ 90% रूट्स हैं वो खाली के खाली जा रहे हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, खासतौर पर दुबई का कतर, क्योंकि कतर क्या है, इनको इंडिया के ऊपर से उड़ के कहीं भी जाना होता है इधर साउथ ईस्ट एशिया में, तो वाया कतर जाता है, पहले पाकिस्तान से कतर, फिर कतर से उड़ के इधर से जाते हैं, तो नेपाल जाना हो, कहीं भी जाना हो, आगे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे जाना पड़ता है। ये सब कारण है कि PIA को हो रहा है भयानक किस्म का लॉस। अब इतना लॉस झेलने के बाद तेल कहां अपनी जेब से डलाएंगे क्या? इनके जो नेता हैं वो तो चलो अपना जुगाड़ पानी बना के चले जाते हैं। PIA आपको याद है, इमरान खान भी PIA से ही उड़ के गया था अमेरिका, वगैरह इकोनॉमी क्लास में उड़ के गया था अमेरिका में एक मीटिंग अटेंड करने, उसके समय की बात है, वो जमाने की। तो ये सब चीजें हैं, और इनके कहीं जहाज पकड़ लिए जाते, कहीं कुछ हो जाता है। अब मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, PIA चंद
हफ्तों के अंदर कंप्लीटली शट डाउन होने वाली, क्योंकि इनके पास में पैसा भी नहीं है कि कब तक अपनी जेब से, अभी ये लॉस अपनी जेब से भर रहे हैं, कब तक अपनी जेब से भरेंगे, ये उस पर ताला ही लगने, या तो प्राइवेटाइज कर देंगे या तो बंद कर देंगे।